ये है छोटा सागर, बहुत एक्टिव है। इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस इधर करना है, इसको भी पीछे करना है। ये उठ गया, अभी इसको यहाँ से करके। वेलकम टू माय किचन। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये मिट्टी देखिए, पुराना ही देखिए, डिजाइन दिखाई दे रहा है, रीयूज हो रहा है। ये देवाशीष भाई बहुत अच्छा से पिटाई करता है, मिट्टी को अच्छा से पिटाई होना चाहिए। मेरा बेटा यहाँ से हट जाएगा क्योंकि उसका डिस्टर्बेंस हो रहा है। टाइल्स हो गया, रोलर से रोटी, अभी प्लाई में डायरेक्टली थोड़ा सा हल्का पानी देकर इसको चिपकाना है। कुछ नहीं, कोई गाम नहीं, कुछ नहीं। पुतू देखो, ये दूसरा जगह में चला गया और ड्राइंग कर रहा है। पूरा मिट्टी स्लैब लगने का बाद इसको फिनिश और एक ग्रिड बना लिया। मैं हर टाइम कोशिश करता हूँ फ्री हैंड ड्राइंग। जो ग्रिड यहाँ पे बनाया 6 इंच बाय 6 इंच, वही ग्रिड मेरा मोबाइल पे जो इमेज है उसमें भी है। तो फ्री हैंड कंपोजिशन आप ड्रॉ कर लीजिए। इसमें इमेज का हालत खराब है, नहीं तो मैं दिखा देता। तो चलिए काम शुरू करते। ड्राइंग का ऊपर मिट्टी लगाओ मोटा मोटा कॉयल से। ये काम भी बहुत फास्ट करना है। मैं हर टाइम चैलेंज लेकर काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कितना जल्दी मैं बना पाऊँ, कितना सुंदर बना पाऊँ। इसको मोल्ड करेंगे तो इसीलिए यहाँ पे एकदम बोल्ड मोटा मोटा मिट्टी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जॉइंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेंशन नहीं है। जैसा टेराकोटा में होता है, आपको जॉइंट टाइल्स का साथ जॉइंट अच्छा से होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम करो, इसको मोल्ड ले लो और इसको मिट्टी को फिर से वापस डैमेज कर दो। एक एक फ्लावर देखिए, बहुत बोल्ड जो पापड़ी है इसको कैसे बनाते, फोल्ड टाइप का कैसे बनाते। मिट्टी को देखिए देवाशीष भाई, मेरे लिए बहुत अच्छे इसको सॉफ्ट बना लिया पिटाई पिटाई से। इसको पानी देकर अच्छा से ढक के रखिए। ये मयूर का ये वॉल्यूम है तो इसमें एकदम फटाफट लग गई। ये टूल्स है, आपको तो दिखाया पिछले एक वीडियो में, ऐसे हैंडमेड टूल्स मैक्सिमम है। कुछ टूल्स मैं मार्केट से लिया, ऑनलाइन लिया। पहले मिट्टी का काम पूरा करते हैं, मतलब मिट्टी पूरा के पूरा लगा देता हूँ जो ड्राइंग का ऊपर। इसको लंबा कायल देख के पता लगता है क्या ये सांप है, स्नेक। तो वहाँ टाइम यहीं पे रहता है, उसका मिट्टी का काम भी बहुत पसंद है। वोटा मयूर 150 मिट्टी ये डेली ये लेता है और कहाँ पे फेंक देता है पता नहीं। फ्लावर जो भी है इसमें हर जगह में इसको मोटिव्स को लगा देते, मिट्टी लगा देता हूँ। ये देखिए पूरा लगभग मिट्टी लग चुका है, थोड़ा सा इधर है। इसको पूरा कंप्लीट लगाने का बाद मैं फिनिशिंग में जाऊंगा। ये मेरा प्रोसेस है, पता नहीं अच्छा है कि बुरा है। मैं एक साइड से कंप्लीट करते करते नहीं जाता, एक एक स्टेप्स को आगे जाता हूँ। अभी है फिनिशिंग का बारी। स्पॉन्ज लेकर, पानी लेकर,
हल्का इसको स्मूथ करते जाइए, क्योंकि देखिए ये जो टेक्सचर मेरे को चाहिए, ये टेक्सचर ऑटोमेटिकली वो फ्री हैंड में आ रहा है और क्या बोले उसका स्पॉन्ज में जो भी, तो उसमें भी टेक्सचर आ रहा है, तो वो नेचुरल टेक्सचर को रखना चाहिए। और हल्का जो जितना भी फिनिशिंग करना चाहिए उतना कर लीजिए। ये देखिए स्पॉन्ज का फ्लो, देखिए स्पॉन्ज का फ्लो में इसका डायमेंशन क्रिएट हो रहा है। बीच बीच में मेरे को उठना पड़ रहा है, दूसरा भी काम चल रहा है, तो कोई बात नहीं। अभी मेन पीकॉक इसका भी फिनिशिंग एक बार देख लीजिए, बॉर्डर लाइन इसको फिनिश करते, आउटर लाइन जो है इसको सरफेस को स्मूथ करते, और धीरे धीरे इसको पंख जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसको ड्रॉ करेंगे और स्कूप करेंगे। ये मैक्सिमम स्कूपिंग करके ये डिजाइन निकाल के आ जाएगा। पहले लाइन मतलब ड्रॉ करके मेजरमेंट का हिसाब से ये ड्रॉ करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, बाद में तो मिट्टी लगाने का बाद चेंजेस ये सब होते जाएगा, ठीक है ना। वो भी दिखाएंगे आज चेंज कैसे करते। क्योंकि ये कस्टम डिज़ाइन है, ये जो कस्टमर है ये भाई साहब का जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से भी बनाना चाहिए, तो उसमें भी यहाँ पे क्लाइंट का प्रॉब्लम आ गया, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। हम यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस इधर करना है, इसको भी पीछे करना है। इस टाइप का वायर से कुछ ऐसे बना लेता हूँ, ऐसा करके कटिंग करके यहाँ से उठाना है, ठीक है। ये उठ गया, अभी इसको यहाँ से करके ऐसे उठाता हूँ, फोटोग्राफ को और एक बार देख लेता हूँ, तो इसको फिनिश करना है बस, ठीक है। ये और एक है, इसको भी थोड़ा सा चेंज करना है, तो देखता हूँ इसको भी ऐसे करके कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी ऐसे करके यहाँ पे बिठाना है, फेस इधर है, इसको फिनिश कर देता हूँ। देखिए एक एक देखिए कस्टमर का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, डिजाइन पसंद है तो उस हिसाब से करना भी चाहिए। तो ऐसा करके आप इजीली इसको चेंज कर सकते, तो ये तो नहीं है, ये फोटोशॉप नहीं है थोड़ा सा इधर उधर नहीं कर सकते। इसमें जो जॉइनिंग है इसको कर लेता हूँ, बाकी फूल पत्ता रेडी है, थोड़ा बहुत टेक्सचर यहाँ पर डालना है, बाकी यहाँ पर आपका हो जाएगा। ये जो ब्रांचेस है इसका जो टेक्सचर है इसको कर लेता हूँ, पिकअप का भी जो टेक्सचर है थोड़ा सा कर लेता हूँ, बाकी लगभग कंप्लीट है। बाकी और भी कुछ चेंजेस करना है तो उस हिसाब से कर लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, देखते रहिए मेरा चैनल पर अपलोडेड वीडियोस, और ये म्यूरल कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में नोटिफिकेशन बेल भी दबा के रखिए। थैंक यू, देखते रहिए।